पाठ छः तेजस्वी अन्न देवता। रामफल किसान के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, द्वार पर आए अतिथि को भोजन करवाने का पुण्य कमा ले। रामफल ने साधु से कहा, बाबा जी थोड़ी देर रुकिए, मैं भीतर जाकर अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। यह कहकर रामफल भीतर गया। उसकी पत्नी बर्तन मांझ रही थी। रामफल ने साधु के भोजन के लिए पूछा तो वह भड़क उठी। पत्नी बोली, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं, खलिहान में रखा सारा अनाज तो उठ गया, आधा महाजन ने ले लिया, आधा जमींदार के कारिंदे उठा ले गए। भूसा बेचकर कुछ थोड़ा सा अनाज खरीदा था, उससे किसी तरह चैत का महीना तो पार हो गया। बैसाख के महीने के लिए हंडिया में सिर्फ आध सेर आटा पड़ा है, इसमें से खुद क्या खा लोगे और द्वार पर आए साधु को क्या खिला लोगे। पत्नी की गरज तरज से परेशान अपना माथा पकड़कर रामफल जब बाहर निकला तो साधु बाबा जा चुके थे। लगता है उन्होंने पति पत्नी का संवाद सुन लिया था। रामफल यह दोहा याद करके सोच रहा था कि रोज तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, साईं इतना दीजिए जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। किंतु यहाँ तो सारे ही काम उल्टे हो रहे हैं, भूखा कुटुंब का मुखिया और साधु भी द्वार से भूखा ही लौट चुका है। वही साधु कुछ देर बाद गांव में महाजन की हवेली के सामने खड़ा था। कस्बे में संतों के अखाड़े से साधु महाराज भिक्षा लेने पधारे हैं। यह सुनते ही महाजन दौड़ा आया, चरण छूकर उनको भीतर ले गया। साधु महाराज की आवभगत की तैयारी के साथ उसने रामफल के खेत से आए गेहूं के 3 बोरे बैलगाड़ी में रखवा कर संतों के अखाड़े की तरफ रवाना कर दिए। अगले दिन साधु बाबा का भोजन जमींदार के यहाँ था। 3 बोरा गेहूं की भिक्षा वहाँ से भी संतों के अखाड़े के लिए रवाना होने के बाद ही बाबा ने भोजन का आनंद लिया। लौटते समय सामने से साधु की भेंट रामफल से हुई। उन्होंने रामफल को रात के भोजन के लिए कस्बे में संतों के अखाड़े में आने का आग्रह किया। रात को जब संतों के अखाड़े में रामफल भोजन कर चुका तब साधु बाबा ने उसे एक कमरे में ले जाकर 6 बोरे गेहूं दिखाए और कहा, अन्न देवता जरा पहचानिए क्या यह आपका ही अनाज है। अपनी फसल को पहचान कर रामफल की आँखों से आंसू निकल आए। वह बोला, बाबा अब यह मेरा अनाज कहाँ रहा, मेरी फसल का सारा अनाज तो जमींदार और महाजन के कारिंदे उठा कर ले गए थे, यह तो आपकी भिक्षा है। अपने आंसू पोंछकर बाबा बोले, अन्न देवता आपको भूखों मार कर अगर हम साधु लोग इस चोरी डकैती के अन्न को ही खाएंगे तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। यह खाने से अच्छा तो हम कोई और अपराध करके जेल का मुफ्त का खाना खा ले। अगर आप अपने इस अन्न को वापस न लेंगे तो यह तो हमारे साधु जीवन पर ही धिक्कार होगा। साधु बाबा के इन वचनों को सुनकर रामफल ने धन्यवाद स्वरूप उनके चरण छू लिए। रातों रात 6 में से 3 बोरे अनाज रामफल के घर पहुंच गए। अगले दिन मंडी में 3 बोरे अनाज बेचकर रामफल अपनी पत्नी के लिए साड़ी और चूड़ियां लेकर जब लौट रहा था तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। देवताओं के मुख पर तेज की कहानियां तो अक्सर सुनी जाती हैं, किंतु अन्न देवता के मुख पर तेज का यह दुर्लभ दृश्य था। गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया बुक्स का दीवाना।